संपूर्ण खबर को आसपा अग्निवीर द्वंद्व दूर लगे प्रयास कर प्रतिरक्षा विभाग एने तीन सेना पक्ष मिलित सांबादिक सम्मिलन सांबादिक सम्मिलन में कौन कह देखा नंदिता इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा दो चीजें इसके अंदर पहली भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन नो स्पेस फॉर नो आर्सम एंगर आप खुशी से दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है नो वार्तालाप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं बट आर्सम वैंडलिज्म नो स्पेस जस्ट नो स्पेस अब जो नंदिता ने पूछा इसको कैसे करा जाएगा देखिए आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर अब इनको उकसारा कौन था दो किस्म के लोग थे एक इनिमिकल एलिमेंट्स दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं एंड ये बच्चे कौन से हैं मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से अब वो आए थे उन्होंने ना जाने कहां कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है ये आशा कौन दे रहा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है उसका काफी योगदान है और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं इसका हम कर रहे क्या है इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है ये प्रावधान करा गया है एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी पुलिस वेरिफिकेशन इज 100% कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे वो नहीं पहुंच सकते चिल्का अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के वो नहीं पहुंच सकते वहां पे तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं तो ये प्रोटेस्टर्स से या जो भी इधर उधर घूम रहे हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें फिजिकल पास करना आसान नहीं है एंड जैसा कि आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ने बताया वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले क्यों सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाए एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए धन्यवाद स्नेश So two questions. So one to General Puri. One question. Okay, then I'll go for the COP, sir. So you mentioned that women would be recruited in the Agnipath scheme. So you're recruiting women in the sailors category. And would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल other than officers rank के लिए है. लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स ऑन बोर्ड शिप्स वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल उसमें से कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है ये अगले कुछ दिनों में वो नंबर भी हम बता देंगे हाय सर पीयूष शेर फ्रॉम रिपब्लिक टीवी टू क्वेश्चन टू लेफ्टिनेंट जनरल पुरी वन क्वेश्चन या ओनली वन क्वेश्चन सो लाइक यू इन योर प्रेजेंटेशन मेंशन दैट प्रेफरेंसेस हैव बीन फ्यू स्टेट्स हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रेफरेंसेस टू बी गिवन टू अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस वुड यू रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू दिस एंड गिव प्रेफरेंसेस टू अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस और इन अदर गवर्नमेंट सर्विसेज इस क्वेश्चन का हिस्सा तो और नहीं है ना आपने शुरू करा था दो क्वेश्चन है नहीं आई जस्ट वन खत्म हो गया ना ओके सी शुरुआत हो गई है आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीएपीएफ बोला
स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला, इंटेंशन दी, फिर उसको एक्शन में लाए। थोड़ा और समय दीजिए, ये एक्शन आ जाएगा। स्टेट पुलिस में आने का प्रेफरेंस का आ चुका है, मैंने आपको दिखाया प्रेफरेंस स्टेट पुलिस आ चुका है। अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज यू सी इसके अंदर स्टेट, देयर इज अ कंफ्यूजन। आई एम आस्किंग, वुड यू रिक्वेस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू, एब्सोल्युटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स दे विल बी रिक्वेस्टेड। ये युवक कहां से आ रहे हैं? ये कोई यू नो साथ वाले देश से तो आ नहीं रहे, उसी स्टेट से आ रहे हैं, उसी स्टेट में वापस जाएंगे। सो द स्टेट्स आर टाइड टू देम फॉर लाइफ, सो इट्स नॉट समथिंग यू नो मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में जाएगा, मध्य प्रदेश वाला वापस मध्य प्रदेश ही जाएगा। तो स्टेट्स अपने आप करेंगी, इसमें वो कुछ नहीं है, बट हमने उनको रिक्वेस्ट डाली है, जो आपका क्वेश्चन है। थैंक यू सर। अजीत, सर, आई एम अजीत दुबे फ्रॉम ANIA। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब आप लोग 2 साल से इस पूरी योजना के प्लान कर रहे थे, तो क्या आप लोगों ने इस प्रकार के विरोध की एंटिसिपेशन की थी? क्या सोचा था कि इस प्रकार का विरोध भी हो सकता है छात्रों के द्वारा? और जो ये सर आप कह रहे हैं कि इन छात्रों को जो इस प्रकार की हिंसा और आगजनी में जो लिप्त पाए जाएंगे, उनके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। मैं आपका नाम मैं भूल, अजीत सर, अजीत दुबे, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है, बगैर उठाए बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है, सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज, एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा, अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। थैंक यू। कविता, हाँ जी, अच्छा हाँ, एंटिसिपेशन। देखिए, अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है, ये देयर इज नो वे कि ये यूथ इनडिसिप्लिन पे आएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि यू नो उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले, जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए, यहां क्यों ऐसे कर रहा है, अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं, आपने कैप्चर करा है इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है? कहता पता नहीं। यू नो सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, एंड किस लिए करेंगे? ये हमारा काम भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको, बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। कविता, सर गुड आफ्टरनून, मेरा सवाल सभी से, सभी थोड़ा माइक में बोलिए, आवाज कम आ रही है, कर सकता है। मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। देखिए, ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया, कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर, ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे तीन इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, एंड साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये काम करना यू नो
ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली खत्म कर लिया. नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, सी बदलाव हमारी हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया. इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई. एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है. हमारी तमन्ना वही रहेगी यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है. कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है, कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा. ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा. जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे, बट ओवरनाइट नहीं ले सकते. हम अगर सारे इंडस्ट्रीज को पहले से ही बता देते कि भाई आ रहे हैं आपके पास तो आप इनको लोगे क्या, कितनी मात्रा में लोगे, वो कैसे जवाब दे सकता है. वो पूछेगा भाई स्किल क्या है आपका, कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी. सी ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है. कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with desh ki raksha. There is no space. Ek hi sirf hai desh ki raksha karne ke liye aur desh ki raksha karne ke liye. Main aapko example deta hoon. Pata hai kitni casualties aati hain just for health purposes from high altitude areas. Aap padhiyega. Okay, to tab aapko pata chalega young kyun jaruri hai. Okay, and क्या जरूरत है उसकी. तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो. थैंक यू. आशीष सिंह. आशीष ऑन लेफ्ट सर, इनटू द माइक. आशीष लाउडर. एम आई ऑडिबल सर? सर नमस्ते, आशीष सिंह फ्रॉम TV9. मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि मेन इशू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्च में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी. और दूसरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए. क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी. मैं आपको बताना चाहूंगा प्रतिक्रिया के, जैसे एजी साहब ने बताया 3 स्टेजेस हैं. ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया. ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको, उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल